ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के मेजर ध्यानचंद नगर उद्योगपुरम में बुधवार देर शाम व्यापारियों ने एक फर्जी पत्रकार हरिओम शर्मा को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगते हुए रंगे हाथ दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया, जबकि पकड़े गए फर्जी पत्रकार के साथ और साथी वहां से भागने में कामयाब हो गए। कोर्ट, क्या मामला हुआ यहां पर? मैं यहां का अध्यक्ष हूं अनिल पुंडीर, मेजर ध्यानचंद नगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से। ये क्या है, यहां पे छोटे छोटे जो प्लॉट लोग बाग बना रहे हैं उनके नक्शे पास है सारी चीजें, ये फर्जी पत्रकार आते हैं, ये फोटो खींचते हैं और व्यापारी का उत्पीड़न करते हैं। ये कहते हैं कि ये आप हमें 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो ये खबर आपको कल को न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। और उस बहाने से ये व्यापारी से पैसा हड़प लेते हैं। व्यापारी बेचारा डर जाता है, 50 ना देकर कोई 40 दे देता है, कोई 30 दे देता है, कोई 20 दे देता है, जैसी जिसकी हैसियत होती है। आज ये रंगे हाथों पकड़ा गया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये दूसरे पत्रकार को भेजते हैं। ये जाने के बाद में अपने आप तो लेके चला जाता है, फिर दूसरे भाइयों को पता कर देता है, वहाँ चले जाना। ये पूरा गैंग है, कम से कम 30 से 40 है इस गैंग के अंदर ये लोग। इसमें कितने पत्रकार पकड़े गए हैं? आज 8 आए, आज तो 8 आए, बाकी भाग गए। पहली बार हमने पहला पत्रकार पकड़ा है, ये पकड़ लिया है। इसके बाद नगर व्यापार एसोसिएशन हमारा बहुत परेशान है, कभी पॉल्यूशन वाले, कभी एमडीए वाले नगर निगम से लपड़ा और क्या क्या आदमी कर रहे हैं फायर का लपड़ा। अरे यार, छोटे छोटे व्यापारी हमारे 100-100 गज में व्यापार चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? ये किसके लिए कमाए? अपनी रोजी रोटी, अपने कारोबार पूरा चल नहीं रहा, रोज यही काम करते रहेंगे। एक दिल्ली के अंदर चले जाओ, 4 मंजिल बिल्डिंग इतनी आसानी से पास होती है, यहाँ पे 2 मंजिल बनानी मुश्किल हो रही है। अच्छा, इसके पास में ना अपनी आईडी है, जो इसने पैन कार्ड ले रखा है वो अलग नंबर से है, जो आधार कार्ड है वो अलग नंबर से है, जो ये हमें अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहा है वो अलग है। इससे मांगा गया आईडी कार्ड, कह रहा उसे तो मैं रखता ही नहीं हूँ, एक पत्रकार होने के बाद इसके पास आईडी कार्ड नहीं है। तो हमने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुला लिया है, पुलिस इस पूरे वाक्य की पूरी पहचान करेगी। और ये इसके फर्जी, ये सारे इसके फर्जी है, ये आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, ये सब फर्जी। व्यापारी एकता जिंदाबाद।